यात्रा के दौरान यात्रियों को नाश्ता दिया जाता है, जिसको कुछ लोग खा लेते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लाइट में मिलने वाले नाश्ते को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अगर आप भी हवाई जहाज में मिलने वाले नाश्ते को अपने साथ लेकर चले जाते हैं तो ऐसा करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि हाल में अमेरिका में एक मामला सामने आया है जहां फ्लाइट में एक महिला को खाने के लिए दिया गया सेब महिला ने नहीं खाया और अपने बैग में रख लिया, जिस पर अमेरिकी शुल्क विभाग ने $500 का जुर्माना लगा दिया। मामला अमेरिका का है जहां पेरिस से अमेरिका आई क्रिस्टल टेडलॉक को फ्लाइट में खाने के लिए दिया गया सेब उनकी जेब को हल्का कर गया। दरअसल क्रिस्टल को जब फ्लाइट के दौरान सेब खाने को मिला तो उन्होंने आगे के सफर में खाने के लिए उस सेब को अपने पास बचा कर रख लिया था, जिसके बाद वो क्लोरोडो के डेनवर जाने वाली थी। इसी दौरान महिला उड़ान के बाद जब वो मिनियापोलिस पहुंची तो अमेरिकी सीमा शुल्क ने कर्मियों ने तलाशी के दौरान उनके बैग से सेब पाया, जिसको उन्होंने जब्त कर लिया। क्रिस्टल के बैग से मिले सेब को जब्त करने के बाद अधिकारी ने बताया कि सेब डेल्टा एयरलाइंस के प्लास्टिक बैग में पाया गया, जिस पर क्रिस्टल ने अधिकारी से कहा कि एयरलाइन की तरफ से ये सेब उसे खाने के लिए दिया गया, जिसके बाद महिला ने उस अधिकारी से सेब खाने या फेंकने के लिए भी पूछा, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी ने महिला पर $500 का जुर्माना लगा दिया। इस पूरे मामले पर अभी तक अमेरिकी सीमा शुल्क विभाग और सीमा सतर्कता विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि ये विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि कृषि उत्पादों की जब्त नहीं करनी चाहिए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।